बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर, बारिश का कहर, दो बच्चों की मौत। छतरगढ़ क्षेत्र में बारिश से यह हादसा हुआ, घर की दीवार ढहने से दो बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत से मातम पसर गया। पुलिस थाना क्षेत्र के चक 12 एसटीएम की यह घटना बताई जा रही है। आपको इस वक्त की खाजूवाला से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, छतरगढ़ क्षेत्र में ये बारिश से हादसा हुआ, घर की दीवार ढहने से दो बच्चों की मौत हो गई और ये दो बच्चे एक ही परिवार के थे। सूचना मिलता ही छतरगढ़ मौके पर पुलिस पहुंची। जिस तरह से मॉनसून दस्तक दे रहा है वो लोगों के लिए काफी खुशी की राहत मिली है उनको गर्मी से, लेकिन हादसों की आशंका भी काफी बढ़ गई है। चाहे प्रशासन हो, नगर निगम हो, उनकी पोल भी खुलती दिख रही है और उसी कारण हादसे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र डेलू। जी सुरेंद्र, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला है, दो बच्चों की एक ही परिवार से मौत हो गई। जी यशोदा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से बारिश कहा जहां कुछ जगहों पर राहत किसानों के लिए बनती नजर आ रही है तो कहीं आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के छतरगढ़ के अंदर इस बारिश ने जहां कहर परपाया है तो वहीं दो बच्चों की जान भी ले ली गई है। कच्ची दीवार ढहने से दो बच्चों की मौत हो जाती है और दोनों बच्चों को छतरगढ़ सीएचसी पहुंचाया जाता है जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही छतरगढ़ पुलिस एसएचओ जय कुमार बादूट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है और दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं। दोनों सगे भाई अनिल कुमार और 10 वर्षीय और 12 वर्षीय दोनों सगे भाई हैं, राकेश व अनिल कुमार। बता दूं कि जिस तरीके से आज सुबह ही तेज बारिश का दौर शुरू है, मानसून जहां राजस्थान में पहुंच चुकी है और जिस तरीके से छतरगढ़ में आज सुबह ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ और एक घर में कच्ची मकान के पास में एक दीवार थी और दीवार अचानक गिर जाती है और ढह जाती है जिसके पास में दो खड़े बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि तुरंत ही परिवार के द्वारा उन बच्चों को सीएचसी छतरगढ़ पहुंचाया जाता है। एसएचओ सूचना मिलते ही जय कुमार भादू मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन दोनों बच्चों को नहीं बचाया जा सकता है। सीएचसी में उपस्थित डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और जिस तरीके से एक तरफ जहां बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं इस परिवार के लिए यह एक आफत बनती हुई नजर आई है। एक ही परिवार के दो बच्चे अनिल कुमार और राकेश कुमार जिनकी उम्र 10 व 12 वर्ष है और दोनों बच्चों की दीवार ढहने से मौत हो जाती है। मैं बता दूं कि इसी क्षेत्र के अंदर पिछले 10 दिन पूर्व भी तेज बारिश का दौर शुरू हुआ था, कई जगहों पर ऐसी आफत भी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन जहां किसान इस बारिश के राहत की उम्मीद कर रहे थे तो वहीं इस परिवार के लिए एक कहर बनकर आया और दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। जी जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की फोन लाइन पे थे सुरेंद्र, जिन्होंने बताया की किसानों के चेहरे पे इस बारिश से खुशी है तो अब इस परिवार में मातम छा गया क्योंकि एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई घर की दीवार ढहने से।